आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक गार्डनिंग टूल्स। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट फाइव बेसिक वंस विच आर माई फेवरेट एंड वेरी यूजफुल एंड हैंडी फॉर एवरी वन हु इज़ इनटू गार्डनिंग। और अगर आप नए गार्डनर हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहेगा। तो लेट्स हैव अ स्नीक पीक टू विच ऑल गार्डनिंग टूल्स आर द क्विंटेसेंशियल्स एंड माई फेवरेट। नंबर वन इन माई लिस्ट इज द ट्रॉवल। इसे हम पॉपुलरली खुरपी बोलते हैं। ट्रॉवल या खुरपी किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। आपको मिट्टी एक गमले से दूसरे गमले में डालनी है या गुड़ाई करनी है उसके लिए ये बहुत काम आता है। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। माई नेक्स्ट फेवरेट टूल इज दिस वीडर। हैव अ क्लोज लुक दिस वीडर। ये बहुत हैंडी होता है। कई बार ऐसा होता है कि गमले के चारों तरफ जगह नहीं बचती है और हमें गुड़ाई करनी है, तो उस केस में ये जो ट्रॉवल है ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। लाइक दिस सी, अब इस पौधे में जगह नहीं है, मुझे करना है, तो द ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चम्मच ले लीजिए। इसके और भी फायदे हैं, ये वीड्स हटाने के काम आता है। लाइक दिस। और अगर आपने सीड्स प्लांट किए हुए हैं तो सीड्स जब ग्रो करते हैं तो बेबी प्लांट्स आते हैं, तो बेबी प्लांट्स को बहुत केयर से हमें निकालना होता है। उसके लिए ये वीडर बहुत हेल्पफुल होता है टू डेलिकेटली टेक आउट द बेबी प्लांट्स। द थर्ड वन इन माई लिस्ट इज दिस स्प्रे बॉटल ऑफ किसान क्राफ्ट। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स किसान क्राफ्ट के मिल जाएंगे अमेजोन पे। आई शेयर द लिंक विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ किसान क्राफ्ट आर रियली गुड एंड वेरी स्टर्डी, बिकॉज गार्डनिंग में बहुत स्ट्रेंथ के काम होते हैं, तो उसके लिए स्टर्डी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। आप अमेजोन से भी ले सकते हैं और आप लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप सीड्स लगाते हो तो बेबी प्लांट्स को आप प्रेशर से पानी नहीं दे सकते हो, तो इसकी हेल्प से आप उनको वाटर कर सकते हो। देन नंबर टू, आपको मेडिसिन स्प्रे करनी होती है। अक्सर ऐसा होता है प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं, यू हैव टू गिव सम मेडिसिन टू द प्लांट, स्प्रे करना है, हल्दी डालनी है, तो आपको इसकी हेल्प से बहुत आसान रहता है। द फोर्थ इन माई लिस्ट इज दिस कल्टिवेटर। ये देखिए, ये कल्टीवेटर है। ये थ्री आर्म्स का भी आता है, बट जितने ज़्यादा आर्म होते हैं उतना अच्छा रहता है गार्डन में इसको यूज़ करना। इसका क्या यूज़ है आप देख के समझिए। आपने खाद मिलानी है, सॉइल मिक्स करना है, कंपोस्ट मिक्स करना है, तो इट्स अ परफेक्ट सोर्स ऑफ ब्लेंडिंग द सॉइल। The next ones are either a scissor or a cutter. अब ये depend करता है कि आपकी gardening किस level की है। अगर आपके पास hardy bushes वाले plants हैं या trees हैं तो आपको इस cutter की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास generally soft leaves के सिर्फ plants हैं तो scissor से भी काम चलेगा। तो depends upon, like आपको leaf काटनी है, वही अगर आपको कोई बड़े पेड़ का या मोटा तना काटना हो तो we require a cutter for that. Now the last one but not the least one are a pair of hand gloves. ये मेरे थोड़े से पुराने हो गए हैं, मैं पहले नहीं use करती थी, but इधर काफ़ी black fungus kind of things, तो वैसे भी generally हमें use करना चाहिए because हमारे nails में ऐसे ऐसे bacteria enter कर जाते हैं that they might affect our body also, हमें पता भी नहीं चलता है। So I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। Please give it a like, please share it with your friends और please 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा। It will give me a zeal to do more to present in front of you. Thank you so much. Please subscribe. Thank you.